प्रिय विद्यार्थियों, आज 22 मार्च विश्व जल दिवस है। हम सभी जानते हैं, बिना जल भयावह आज और कल। वर्ष 2022 की विश्व जल दिवस की जो मुख्य थीम है, ये आधारित है भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना। आइए हम विश्व जल दिवस पर कुछ सामान्य जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले देखिए, विश्व के कौन कौन से मुख्य महासागर हैं। पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, जो विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है। दूसरा अटलांटिक महासागर। तीसरा इंडियन ओशन, हिंद महासागर। फोर्थ अंटार्कटिका महासागर, या जो बर्फीला महासागर कहलाता है। और फिफ्थ आर्कटिक महासागर, जो सबसे छोटा महासागर होता है। इसके बाद विश्व महासागर दिवस प्रतिवर्ष 8 जून को मनाया जाता है। इसके बाद भारत में जल अभियान कौन कौन से हैं, कब शुरू हुए और उनके क्या कार्य हैं, आइए देखते हैं। जल शक्ति अभियान जो 1 जुलाई 2019 से शुरू हुआ था, और इसका मुख्य कार्य था 256 जिलों में वर्षा जल के संचय और संरक्षण हेतु अभियान चलाना। दूसरा कार्यक्रम या अभियान है नमामि गंगे अभियान। यह जुलाई 2014 में शुरू हुआ था और यह एक मिशन और कहलाता है एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन। फिफ्थ गंगा उत्सव 2021 द रिवर फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है, और ये 1 से 3 नवंबर 2021 के बीच में शुरू हुआ था। इसके बाद 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। इसके बाद पृथ्वी पर जल का वितरण कितने प्रतिशत है, आइए देखते हैं। महासागरीय जल 97.2% है, हिमनद 2.05%, भूमिगत जल का जो प्रतिशत है 0.61%, और झीलों में जो जल है वो 0.01% है। पृथ्वी के धरातल पर जो जल है वो देखिए कितना है, 71.7% भाग जल और 28.3% स्थल है। इसी तरह 70.8 भाग जल प्लस 29.2 स्थल क्रैमल कहलाता है, और 71 भाग जल प्लस 29% ये एनसीईआरटी के अनुसार माना गया है। यानी पृथ्वी के ऊपर जो जल का परसेंटेज अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया हुआ है पाठ्यक्रम के अनुसार। ये 3 कैटेगरी है, ब्रेगनर, क्रैमल और एनसीईआरटी। इसके बाद जल शक्ति अभियान मंत्रालय कौन कौन से हैं। जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय। दूसरा है पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, यह दोनों के सम्मिलित रूप से विलय होने से बना है। इसके बाद जो सबसे मुख्य जानकारी है, वाटरमैन ऑफ इंडिया, ये राजस्थान के हैं, अलवर, नाम है इनका राजेंद्र सिंह। जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को शुरू हुआ था, और इसका लक्ष्य है 2024 तक हर गांव में जल की आपूर्ति करना। आज विश्व जल दिवस पर हम सभी यह प्रण लें कि जल का सदुपयोग करें, इसे व्यर्थ न गवाएं और दूसरे लोगों को भी जल संरक्षण हेतु प्रेरित करें।